पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक रीसेंट केस लॉ है जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है। पेटर्निटी लीव का केस है ये। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप पेटर्निटी लीव रिफ्यूज कर रहे हैं टू द फादर, तो आप वायलेट कर रहे हैं उस चाइल्ड का आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ। सो रिफ्यूजिंग पेटर्निटी लीव टू फादर वायलेट्स चाइल्ड राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा कहा। मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इंडिया नीड्स अ लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट, कि इंडिया को इस सब्जेक्ट पर यानी पेटर्निटी लीव पर अब लॉ की जरूरत है। अब हुआ क्या था पहले उसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये केस का टाइटल है, आप नोट कर लीजिए। बाकी सारी चीजें थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं कि मामला शुरू कहां से हुआ। सो वाइफ जो पेटिशनर की वाइफ थी, पेटिशनर वॉज अ पुलिसमैन, उनकी जो वाइफ थी वो कंसीव कर रही थी थ्रू IVF। नाउ IVF इज अ वेरी रिस्की प्रोसेस, ठीक है, प्रेगनेंसी का। पेटिशनर ने लीव लेटर दिया May 1 से लेकर के July 29, 2023 तक, यानी कि 90 डेज का उन्होंने लीव लेटर दिया। लीव ग्रांट हुई 25 अप्रैल को, ध्यान से सुनना, ये सारी डेट्स का ही यहाँ पर खेल है। लीव जो है वो ग्रांट हुई 25 अप्रैल को और उसे कैंसिल कर दिया गया। उस लीव को जो ग्रांट करी गई थी 25 अप्रैल को, उसे कैंसिल कर दिया गया 30 अप्रैल 2023 को। कैंसिल क्यों किया गया? क्योंकि कुछ लॉ एंड ऑर्डर का कुछ प्रॉब्लम आ गया था उनके एरिया का, जो पुलिस स्टेशन था वहां पर, जिस वजह से उनकी अथॉरिटी ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कैंसिल कर दिया था उनका ये लीव। एक्सपेक्टेड डेट, जो डिलीवरी डेट थी उनकी वाइफ की, वो 30th May थी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट थी। तो लीव, अब इसके बाद क्या हुआ कि जो लीव थी वो अलाउ कर दी गई थी 30 दिन की, May 1 से लेकर के May 30 तक की। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 30 मई थी, लीव उनको अलाउ कर दी गई पेटिशनर को May 1 से लेकर के May 30 की। वाइफ गेव बर्थ ऑन 31st May 2023। एक्सपेक्टेड डेट 30 मई थी, लेकिन उन्होंने 31 मई को जन्म दिया। उस समय जो हमारे पेटिशनर थे, उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज अपने जो SP थे उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि वो 31 मई को भी प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। हालांकि उनका 30 दिन का लीव था, लेकिन यहाँ पर जो उनकी वाइफ की हालत देखते हुए उन्होंने कहा कि वो 31 मई को भी अपनी ड्यूटी पे प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। June 22 में उनको डिजर्शन ऑर्डर दिया गया, ठीक है, एंड कहा गया कि विदिन 60 डेज टू सबमिट हिज एक्सप्लेनेशन फॉर फेलियर टू रिपोर्ट ऑन 31 ऑन मे 31। उन्होंने कहा कि आप 60 दिन के अंदर अंदर आप अपना एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट करें कि आप क्यों प्रेजेंट नहीं थे ड्यूटी पर। अब यही सब देखने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, पेटिशनर ने रिट फाइल करी कहां पर? हाई कोर्ट में। अब आगे समझो कि हुआ क्या। आई एम रीडिंग इट आउट टू ऑल ऑफ यू, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, एक एक जो भी मैं रीड करूंगी अच्छे तरीके से एक एक वर्ड आप लोगों को समझाती जाऊंगी। कोर्ट सेड दैट दो पेटर्निटी या फिर पेटर्नल लीव इज अ काइंड ऑफ लेबर लॉ बेनिफिट, भले ही कोर्ट ने यह कहा कि जो पेटर्निटी और जो पेटर्नल लीव है ये एक लेबर लॉ बेनिफिट है, द सेम हैज स्टेम्ड फ्रॉम द राइट ऑफ अ चाइल्ड टू बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 14, 15 clause 3 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भले ही ये एक लेबर लॉ बेनिफिट है, लेकिन ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21 के अंडर भी फॉल कर रहा है, ठीक है। रेफरिंग टू द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच रिकग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट, द कोर्ट सेड दैट सच डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड commences from prenatal care days, that is from the day one of the mother's pregnancy, and continues all along the postnatal care till the age of attaining majority. कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो चाइल्ड का जो हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, फंडामेंटल राइट्स में, कि चाइल्ड का हमें वेलफेयर करना है, ये सारी चीजें प्री नेटल केयर से ही शुरू हो जाती हैं और ये पोस्ट नेटल केयर तक रहती हैं। कोर्ट ने कहा कि सारी जो कमेंसमेंट जो चाइल्ड का शुरू हो रहा है, वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर का जो कमेंसमेंट हो रहा है वो कब से हो रहा है? प्री नेटल केयर से ही शुरू हो जा रहा है। प्री नेटल केयर का क्या मतलब है कि जब से मदर प्रेग्नेंट हुई तब से ही शुरू हो गया उसका वेलफेयर का। तो ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई चाहिए, ध्यान रखने के लिए उसके फादर को पेटर्निटी लीव की जरूरत है, जो कि
हमें प्रोवाइड करनी चाहिए. सो इन दिस रिगार्ड एम्फेसाइजिंग द नीड टू प्रोवाइड फॉर मेटर्निटी पेटर्निटी और पेटर्नल लीव टू द अडॉप्टिव और बायोलॉजिकल पेरेंट्स. देखो मद्रास हाईकोर्ट ने दोनों की बात की है, अडॉप्टिव पेरेंट्स की भी बात की है और बायोलॉजिकल पेरेंट्स की भी बात की है. द कोर्ट सेड दैट से वुड एंश्योर प्रॉपर प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर upholding the child's right to protection of life as guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. तो अगर हम ये मेटर्निटी पेटर्निटी या पेटर्नल लीव देते हैं तो ये अपहोल्ड करेगा आर्टिकल 21 को और इससे ही प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर का भी ध्यान रखा जाएगा. इन इट्स ऑर्डर द कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट सिंस IVF इज अ हायर रिस्क प्रेगनेंसी प्रोसीजर. ये मैंने आपको बताया कि इट इज अ हायर रिस्क प्रेगनेंसी प्रोसीजर, बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है इसमें. अ वुमेन अंडर गोइंग IVF प्रोसीजर नीड्स कंप्लीट अटेंशन एंड होलिस्टिक केयर फॉर अ रिस्क फ्री डिलीवरी. इस वजह से जो माँ है, जो वुमेन है, उसको पूरी तरीके से पूरा केयर चाहिए ताकि वो एक रिस्क फ्री डिलीवरी कर सके. And hence, in the instant case, the petitioner was compelled to give special care to his pregnant wife at that point of time. जिसकी वजह से petitioner को उसको compulsory था कि वो अपनी wife को पूरा पूरा attention और care दे at that point of time. Consequently, finding justification in the absence of the petitioner from his service. अब यहां पर तो कोर्ट पूरी तरीके से जस्टिफाइड हो गया कि किस वजह से फादर जो है वो एब्सेंट थे अपनी ड्यूटी से. द कोर्ट क्वाश्ड द डेजर्शन ऑर्डर. यहां पर जो जून 2022 में उनको जो डेजर्शन ऑर्डर मिला था, इसको कोर्ट ने क्वाश कर दिया. द कोर्ट ऑर्डर दस वाइल ग्रेसफुली कंसिडरिंग हिज IVF चाइल्ड राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एज गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द कोर्ट फर्दर डायरेक्टेड द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू रिविजिट द इम्पैक्ट ऑर्डर देयर बाय एक्सटेंडिंग द टाइम ऑफ 60 days गिवन टू द पेटिशनर. यहाँ पर जो 60 दिन का टाइम पेटिशनर को दिया गया था कि आप अपना जो ये डीले है वो एक्सप्लेन करें कि आप क्यों उस वक्त ड्यूटी पे नहीं थे, इस टाइम को कोर्ट ने कहा कि बढ़ाया जाए और 15 दिन इसमें दिए जाए ताकि वो अपना जो ये डीले है वो एक्सप्लेन कर सके. गिवन टू द पेटिशनर टू सबमिट एन एक्सप्लेनेशन फॉर इज अनऑथराइज एब्सेंस. क्योंकि ये जो एब्सेंस थी May 31 से July 29 तक, ये उनको ऑथराइज नहीं थी, ये उनकी अनऑथराइज एब्सेंस थी. तो इसी अनऑथराइज एब्सेंस को कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप एक्सप्लेन करें, लेकिन 60 दिन से टाइम और ज्यादा बढ़ा दिया, यानी कि 15 दिन का टाइम उन्हें और मिल गया अपना डीले एक्सप्लेन करने के लिए. तो आई होप आप लोगों को ये केस समझ में आया होगा. केस का टाइटल ये है एज आई टोल्ड यू. और कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये कह करके कि पेटर्निटी लीव की ज़रूरत है लेजिस्लेशन को और इंडिया को इस सब्जेक्ट पे और थोड़ा सा वर्क करना चाहिए. आपकी क्या राय है इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.